फिलहाल मैंने 1 किलो दाना रखा और ये इतना रखा, देख रहे हैं? 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And I तो बेसिक अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रिंट आ रहा है इसका बड़ा डब्बा। अस्सलाम वालेकुम सवादी नजरात, तो क्या हाल है? तो उम्मीद है कि आप लोग टीवी में अभी दिन का आ जाए वीडियो के अंदर 5 से 3 दिन बाद जब फिर से खराब हो गए। अभी विंटर स्टार्ट होगी तो आप लोग ने देख लिया होगा कि पीछे लाइटिंग बहुत ज्यादा की है मैंने, ये सारी बॉम्ब लाइटें हीट वाली। सबसे पहले मैं आपको लाइटिंग दिखा दे रहा हूँ, तो विंटर के हिसाब से मैं आपको लाइटें भी दिखा रहा हूँ जो मैंने लगाए हैं। LED लाइट, ये बॉम्ब लाइट है, ये है 12 वोल्ट की लाइट, लेकिन हीट इसकी माशाल्लाह से अच्छी आती, तो ये है आपके घर का बिल भी बचाएगी, ये इतना बिल नहीं आएगा इससे, ये पूरी बॉम्ब है। तो फिलहाल अभी इससे बात में मैं बताऊंगा आपको समझ में। तो उससे पहले हम लोग लेकर आए फिश ऑयल, फिलहाल फिश ऑयल इसको ऐड करते हैं हम लोग दाने के अंदर, कितना क्वान्टिटी दाने और किस तरह से ऐड करना। आप लोग पूछोगे मुझे कमेंट में कि ज्यादा मोटर है यार वो हवा लग रही है, किस तरह से हम लोग क्या चेंज करें, स्पीड में क्या मिला है, सॉफ्ट फूड में क्या मिला के। तो मैंने सोचा यार कि आप लोग को थोड़ा गाइड कर दूं इसी चीज से। ये मैं फिश ऑयल पहले ऑलरेडी मिला चुका था, लेकिन मैंने सोचा इस बार जब मिला रहा हूँ आपको मैं वीडियो बना दूँ तो फिश ऑयल को आपको दिखाते हुए ना। तो आओ अभी आपको मैं समझा दू किस तरह से फिश ऑयल मिलाना है और कितनी क्वान्टिटी में मिलाना है और कितने किलो अगर आपको बाज रहे उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने नए सब्सक्राइबर हैं जो मेरे तो जल्दी जाकर सब्सक्राइबर मार दे, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हम लोग आ जाए। तो बेसिकली ये रहा विंटर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया पहले ये फिश ऑयल। तो बेसिकली अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रिंट आ रहा होगा इसका बड़ा डब्बा होगा मेरे पास ना। अब इसके साइज सुन सकते हैं बहुत ज्यादा इसकी और क्लास स्मेल है, लेकिन ये बहुत चीज फायदे माने हुए, ये बेसिकली है विंटर के हिसाब से। ये आप लोग जो पूछ रहे हो जावा मेरा मुहार हो रहा है कुछ हो रहा है, बेसिकली आप जो ऑक्सीजन से लेके फिल्म से लेके लॉरी में मंगाओ सब में मिलता ही है ना फिश ऑयल। तो भाई स्क्रीन पे आ रहे हो और ये यूज में भी मिलता है, ये जैसे मैंने छोटा वाला लिया था स्क्रीन पे बड़ा वाला आ रहा है वो आपको बहुत ज्यादा अफोर्डेबल मिल जाएगा, वो तकरीबन बहुत ज्यादा महंगा आएगा। तो फिलहाल मैं आपको तरकीब बता दूं मिलानी किस तरह से मिला रहा हूँ। अब ये है 5 ml का इसका कैप, फुल कैप इसका तकरीबन 4 ml का, लेकिन आपने हाफ से थोड़ा दिया था ये निशान लगाओ मैंने थोड़ा सा ज्यादा, ये कैब है ये फुल है, इसलिए बाजार रखे जो आपकी जो स्पीड है कमी होगी उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड होगी, तो उसके अंदर आप ये मिला एक कैब, तो उसको अच्छी तरीके से मिला अपने हाथों से बिल्कुल रगड़ा वैसा दें तो जैसे पूरे उसमें मिक्स हुआ। फिर अगर आपको और ज्यादा ऐड करना है 10 किलो के बाजार में, तो आपको इसी तरह से 5 स्टेप उसके निकालने पड़ेंगे, तो इसी तरह से आपको डालना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी मैं आपको स्टार्ट कर दूँ इसको मिलाने कैसे, क्योंकि मेरे को भी मिलाना है, मेरे को भी स्टार्ट करना था, मैंने सोचा थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दूँ। तो फिलहाल पहले मैं मिला लेता हूँ आपको दिखाऊँ किस तरह से मिलाने, और मेरे पास क्वान्टिटी अभी तकरीबन 15 किलो दाना है ऑलरेडी मेरे पास, ये आम चल रहा है दाने का, इसका अंदर मैं मिलाऊंगा इतनी शीशी अपने हिसाब से, कितना मिलाना है 1 कैप 1 किलो बाजरे में, समझ गए ना आप? तो इसी तरह अभी स्टार्ट कर दें इसको मिलाना। तो फिलहाल मैंने 1 किलो दाना रखा और ये इतना रखा, देख रहे फुल कैसे थोड़े दाने, ये 1 किलो में इतना मिला। तो फिलहाल मैं ये तो अंदाजा ना अपने दाने का, तो इसी तरह अगर आपके पास जितनी क्वान्टिटी होगी ना तो भाई आप लोग इसी तरह मिलाए, मैं इसको भी साइड पर रखते हुए इसको अच्छी तरह से मिला दू, इधर इस तरह से मिलाने मैं 1 किलो में मिला के दिखा रहा हूँ आपको। उसको इसी तरह से रगड़ा देना है, देख रहे हैं हाथों से, ये है पूरा घंटे का भी सीमें निकाले, इंशाल्लाह बट भी सेफ रहेगा, उसकी ग्रेड भी बहुत आउट क्लास जाएगी, क्योंकि अभी जो एग है ना अभी बट जो ज्यादा दे रहा था पहले थोड़ा अपने हिसाब से, तो इसमें अच्छी क्वांटिटी इंशाल्लाह इसमें भी बढ़ती है, क्योंकि फिश ऑयल क्योंकि गर्म बहुत है, ये हर बट्स के लिए इसको आप लव बट को खिला सकते हैं, कोई भी बर्ड हो सबके अंदर सबके दाने में मिला बहुत फायदे मैंने ये फिश ऑयल भाई, ये कहीं से भी आपको मार्केट से मिल जाएगा अच्छी बर्ड की दुकान से, ठीक है? तो इसी तरह से मैंने 1 किलो में मिला दिया, ये देखो ये है, देखो 1 किलो में सभी कैसे साइड स्मेल आ रही है, गीला कर दिया। अभी फिलहाल मैं इसको
ड्रम का गाना फिर से डाल दो उसके अंदर। तो देखा इसी तरह से एक एक किलो करके मैं मिला रहा हूँ, क्योंकि दारे भी डाल दूंगी ना ज्यादा नुकसान न होगा। बाकी यार जितनी इसके अंदर स्मेल आ रही है आउट करा दोगे, मेरा हाथ देख सकते हो क्योंकि फैल का कमाल है सारा। तो उसको जितनी तरह अच्छी तरीके से रगड़ोगे तो भाई मजा आने वाला है। उतनी आउट करा स्मेल आ रही है ना उसमें, तो मैं आपको क्या बताऊँ, फायदेमंद चीज बहुत फायदेमंद है। तो आपको अलग ही दिख जाएगी जितनी स्मेल होती है ना चीज के अंदर, तो फायदेमंद होती है भाई इसके अंदर बट के अंदर, याद रखना। तो 1 किलो मैंने ऑलरेडी मिला दिया, 5 किलो और है। तो इसी तरह अपने हिसाब से देख लो, टोटल अभी इसको मिला के मैंने 5 किलो दाने में मिला दिया। तो मैं आपको जल्दी जल्दी दोबारा चाहिए वीडियो लॉन्ग ना हो। Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from. मैंने भी सारे गाना ड्रम में डाल लिए, मास्टर का स्किल बढ़ गया, बहुत मेहनत की भाई इसके अंदर, हाथ पूरे काले हो गए थे फिर मिला मिला के। तो बस इसी तरह आपको करना है और इसको आपको ढक देना, क्योंकि अगर आप इसको कैप ऑन रखोगे तो 2 से 3 मिनट के इसके अंदर मिकदार रहेगी फिर खत्म होगी। आप इसको टाइट रखोगे ना आपका दाना कहीं नहीं जाने वाला। तो फिर इसी तरह आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहते हो यार हर वीडियो में। तो आज का टॉपिक ये तो दावा का मेरा, तो यही आप लोग को फिर को सर्वाइव करना पड़ेगा सर्दी में, फिर फिशल रखना दाने के अंदर थोड़ा सा मिलाना क्वान्टिटी, इनसे लगे आपका बैग एक्सपायर सर्दी नहीं लगेगी तो हवा से रखेगा। तो फिर इसी तरह आप लोगों ने अपने भाई को सपोर्ट किया एंड तक से लास्ट तक वीडियो देखी, तो इसी तरह आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया चंडी डेयर को एंड तक। तो जो लोग मुझे कर रहे हैं, जो भाई लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और जो सिस्टर लोग मुझे व्हाट्सएप पर मेरे को बता दी तो इस तरह से आप वीडियो बनाया मेरे को होम विजिट के हवाले से बता, बिजनेस के हवाले से, इनशाला मैं लेकर आऊंगा बहुत जल्द। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी तरह से मिलेंगे छोटे छोटे टिप्स के साथ। तो इसी तरह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, इनके बच्चे साथ उनके रेड मालूम करेंगे। अभी लाहौर से वीडियो बनवाई बंदे को, तो लाहौर में एक डेट गए तो वहाँ पे वीडियो बनाया, तो वहाँ से मैं आपको वीडियो बताऊँ किस तरह के लाहौर में रिलेट चलें। ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जरा गल्ला नए कॉन्टेंट के साथ आएंगे। ठीक है।